हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे आपको सारी पैडागोजीज मिलने वाली है। मैंने इंग्लिश की पैडागोजी आपको कराई है, मैथ की पैडागोजी कराई है, और मैंने ईवीएस पैडागोजी की एक या दो क्लासेस ली है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कराया था कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। आज हम आगे करेंगे ईवीएस पैडागोजी के लिए। आज हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस। जे गाइस, जो इंटीग्रेटेड ईवीएस है, इसको हम इमर्ज करके पढ़ रहे हैं। जैसे साइंस कैसे ईवीएस से कनेक्ट है, ठीक है, सोशल साइंस कैसे कनेक्ट है ईवीएस से, और हमारी जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है, ये कैसे कनेक्ट है ईवीएस से, ठीक है। तीनों को इमर्ज करके पढ़ेंगे। ये जो मैंने येलो कलर में लाइन लगाई हुई है, पहली ये और ये, ठीक है, तीनों आज हम कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, शायद थोड़ी सी बड़ी भी हो क्लास, तो इसलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है गाइस। पहले हम कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट क्या है हमारा। पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ईवीएस की, कि क्या कंटेंट होता है ईवीएस में, ठीक है। बाद में हम इमर्ज करेंगे कि साइंस क्यों जरूरी है, ठीक है, सोशल साइंस क्यों जरूरी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है, उसको तीनों को इमर्ज करके हम ईवीएस में पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों को कनेक्ट होते हैं, तीनों थोड़े थोड़े कनेक्ट कर देते हैं ईवीएस के लिए, ताकि क्या है, फिफ्थ क्लास तक बच्चे जो है ईवीएस पढ़े, सिक्स क्लास में जैसे साइंस सोशल साइंस आएंगे, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होंगे, तो ईजिली समझ पाएंगे साइंस सोशल साइंस इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, ठीक है, और जो हमारे इशू वगैरह है आसपास चल रहे हैं, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे वाई ईवीएस ए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, के ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों है, तीनों को क्यों कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाउ ईवीएस इज ए स्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडी, कैसे इसको स्ट्रक्चर किया गया इंटीग्रेटेड स्टडी के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम जो पिछली क्लासेज में किया है वो भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आप कनेक्ट रहें पिछली क्लास से भी, ठीक है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। कंटेंट ऑफ ईवीएस, जो ईवीएस का कंटेंट होता है, ना ही ये पूरी साइंस होती है और ना ही ये पूरी सोशल स्टडीज़ होती है, इसको दोनों को कनेक्ट किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने कहा, ठीक है। जैसे थोड़े टॉपिक साइंस के रलते मिलते ले लिए, साइंस नहीं ली, साइंस में क्या होती है, थ्योरीज प्रिंसिपल होते हैं, ज़्यादा मतलब बच्चे पे बर्डन नहीं डालते, बिल्कुल हल्की हल्की चीज़ें लेते हैं, ताकि बच्चा डेली लाइफ से कनेक्ट हो, जो हम घर पे यूज़ चीज़ें करते हैं उसको लेते हैं। सोशल स्टडीज़ में भी ऐसे ही है, जैसे हमारे आस पड़ोस में जो कल्चर वगैरह है, जैसे होली का त्यौहार हो गया, दिवाली हो गई, इस थोड़े थोड़े ले लिए। सोशल स्टडीज़ ज़्यादा हैवी नहीं ले लेते, कि बच्चे को ज़्यादा रटना पड़े, जैसे हिस्ट्री में हमारे होते हैं पृथ्वीराज चौहान कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है, ऐसा सोशल स्टडी में नहीं करते, ठीक है, मतलब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए गाइस आगे करते हैं। ईवीएस एस ए इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईवीएस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है और किस किस को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, एक तो साइंस को करते हैं, दूसरा सोशल साइंस को करते हैं, और तीसरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन को करते हैं। साइंस और सोशल साइंस तो मैंने आपको बता दिया था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, जैसे हमारे पेड़ वगैरह काट रहे हैं, ठीक है, बच्चे को बताना कि पेड़ काटेंगे तो हमें मतलब मुश्किल होगी, हमें जो ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, फ्यूल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ऐसे प्रदूषित होगा हमारा वातावरण, जो इशू है उसके बारे में तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा बताना, ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, इसलिए तीनों का इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है ईवीएस, ठीक है गाइस। जैसे मैंने कहा था कि पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन हमारी होगी, अब हम पढ़ेंगे ईवीएस को साइंस से कैसे कनेक्ट किया है, सोशल साइंस से कैसे कनेक्ट किया है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कैसे कनेक्ट किया है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि तीनों का इंटीग्रेटेड है, साइंस सोशल साइंस एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसको ज़्यादा और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे काफ़ी समझदार हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे करते हैं। ईवीएस एज ए साइंस, साइंस को कैसे पढ़ते हैं ईवीएस में। जैसे गाइज
बच्चे को क्या है, जब फिफ्थ क्लास तक होता है, हमें पता है कि बच्चा ईवीएस जो पढ़ता है वो 5 क्लास तक पढ़ता है, और 5 क्लास में क्यों पढ़ता है, ना कि बच्चे को बता सके हम कि प्लांट्स क्या होते हैं, खाना क्या होता है, पानी क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो साइंस होती है, साइंस में क्या आता है, प्रॉपर्टीज आती हैं कि जो वाटर है, ठीक है, जैसे जो पानी है, ठीक है, वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि स्मेल कैसी होती है, ठीक है, टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। और ईवीएस में क्या है, वाटर के बताते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, घर पे ऐसे हैंड वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमने पानी पीना है तब यूज़ करते हैं, सफाई करनी है तब यूज़ करती हैं, ईवीएस में ऐसे बता देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जो ईवीएस होता है उससे क्या है, डेली लाइफ को रिलेट करके पढ़ाया जाता है कि बच्चे क्या है, इजीली कनेक्ट हो सके। पानी का बता देते हैं, ठीक है, खाने का बता देते हैं, प्लांट का बता देते हैं, एनिमल का बता देते हैं, वाटर का बताते हैं। साइंस में क्या है, थ्योरीज और प्रिंसिपल होती हैं, इतने बड़े बड़े नहीं बताते, इतने बड़े बड़े बताएंगे थ्योरीज प्रिंसिपल तो बच्चे के दिमाग में क्या है, बर्डन हो जाएगी। ठीक है, जैसे जहाँ पे शिप चल रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण चलती है, सेंटर बायोसी के कारण चलती है, अगर सीधा हम बच्चे को पढ़ाएंगे छोटी क्लासेस में ही, तो बच्चा कन्फ्यूज़ रहेगा, बर्डन महसूस करेगा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हल्की हल्की चीज़ें 5 क्लास तक पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे करते हैं। ईवीएस एज ए साइंस बेसिक साइंस कराते हैं ताकि बच्चा एक्सप्लोर कर सके रियल वर्ल्ड से। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हल्का हल्का बताते हैं साइंस के बारे में, ज़्यादा नहीं बड़ा बताते, खाना खाना के बारे में बता देते हैं, खाना क्यों खाते हैं, खाना कहाँ से आता है, हल्का हल्का बिल्कुल, ठीक है, ताकि बच्चा क्यूरियोसिटी महसूस करे कि ये चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, जैसे चंद्रमा के बारे में बता दिया, थोड़ा थोड़ा स्टार्स के बारे में बता दिया, सूरज के बारे में बता दिया, और जब साइंस में जाएगा तो फिर हम सोलर सिस्टम उसको आसानी से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो कनेक्ट होगा उन चीज़ों से। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं रियल वर्ल्ड से। ठीक है, समझ गए हो आगे आप। मैंने एक्सप्लोर पहले भी काफ़ी बार कहा है आपको कि एक्सप्लोर मतलब होता है कि डेली लाइफ चीज़ों से रिलेट करना, रियल ऑब्जेक्ट जो उसके हाथ में होते हैं, जिसको वो एक्सपीरियंस कर सकता है, लर्निंग बाय डूइंग कर सकता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर 4 स्किल डेवलप होंगी, ये वाली, मेजरमेंट करने लग जाएगा, क्लासिफिकेशन करने लग जाएगा, चीज़ों को क्या है, अलग अलग देखने लग जाएगा कि हमारे घर पे ये चीज़ें होती है, बाहर ये है, मिट्टी वगैरह से कनेक्ट होगा, पानी से कनेक्ट होगा, प्लांट्स से कनेक्ट होगा, इनको क्लासिफाई करेगा, मेजरमेंट करने लग जाएगा, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या होता है, जैसे बच्चा अंदाज़ा लगाने लग जाएगा कि जैसे गार्डन में जाता है, घास वगैरह सूख गई है, ठीक है, वो अंदाज़ा लगाएगा कि इसको पानी नहीं मिला है इसलिए सूख गई है, इसको प्रॉपर से जो रोशनी है वो नहीं आ रही है प्लांट्स में। ठीक है, एस्टिमेशन लगाने लगेगा, ये स्किल वगैरह डेवलप होने लगेगी, फिर इसको हम आगे क्लासेज में यूज़ करेंगे, जैसे मैथ में भी हेल्प करेगी ये, फिर साइंस में भी हेल्प करेगी आगे, फिर 10th 11th में जब वो फिजिक्स केमिस्ट्री करेगा तब ये स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, अगर अच्छे से उसने की है। ठीक है, आगे करते हैं गाइस। इस जो आगे चल के फिर जब एक्सप्लोर करने लग जाएगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करने लग जाएगा, तो फिर जो जो साइंटिस्ट है इनके बारे में पढ़ेगा तो और ज़्यादा ये अंडरस्टैंड करेगा कि कंट्रीब्यूशन कितनी ज़रूरी है सभी पीपल की, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जैसे ये साइंटिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कोई अमेरिका से करता है, कोई स्पेन से करता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, तो ये भी एक स्किल डेवलप होगी, एक समझने लगेगा बच्चा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं अगर एक साथ मिलके काम करें तो हम काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ डेवलप होगी बच्चे के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए गाइस करते हैं आगे। ईवीएस एज ए सोशल साइंस, सोशल साइंस देखिए, एक मैं एग्जांपल आपको अच्छी सी बताता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ईवीएस क्यों ज़रूरी होती है, ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं इंटीग्रेट करके। जैसे देखिए, मैं एक पानी की एग्जांपल ही ले रहा हूँ, वाटर की। ठीक है, साइंस में वाटर जो है मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं उसकी,
कि स्मेल कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है। साइंस में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और जो सोशल साइंस है, SST है हमारी, इसमें पढ़ते हैं कि इसके रिसोर्स कहाँ से होते हैं। ये कुएं से आती है, नदियाँ से आती हैं, समुंदर से आता है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करके एक वर्ड बना देते हैं EVS, कि जैसे पानी घर पे कहाँ यूज़ होता है, पानी पीने में यूज़ होता है, खाना बनाने में यूज़ होता है, सफाई में होता है। इसलिए EVS पहले कराते हैं कि पहले बच्चा जो है रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो, जो डेली लाइफ में जो चीज़ें कर रहा है उससे कनेक्ट हो, ठीक है। इसलिए इसको इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। अब सोशल साइंस को कैसे इंटीग्रेट करके EVS में पढ़ाते हैं, कि जो सोसाइटी एंड कल्चर है हमारा, ठीक है, उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें, उनमें बिलीफ वगैरह डेवलप हो, ठीक है, बिलीफ हो, कस्टम हो, वैल्यूज डेवलप हो, चैलेंज जो है उसको समझे, हिस्ट्री देखे हमारी, होली दिवाली त्यौहार जो है क्यों मनाए जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये चीज़ें समझे, और डिसिप्लिन इसमें डेवलप हो, जैसे क्लासरूम है उसमें अच्छे से डिसिप्लिन प्रॉपर मेंटेन करे, रिस्पेक्ट करे अपने बड़ों की, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, जात बात का भेद ना करे, ठीक है, कम्युनिटी में अच्छे से एडजस्ट हो वो, ठीक है, सोसाइटी को अच्छे से समझे, ठीक है, कस्टम वैल्यू बिलीफ नॉर्म्स वगैरह जो हमारी नॉर्म्स हैं उनको समझे वो, पहनावा वगैरह हम समझाते हैं उसको कि ऐसे पहनते हैं, लड़का ऐसे कपड़े पहनता है, लड़की ऐसे पहनती है, ठीक है। आगे करते हैं, सोसाइटी एंड कल्चर वो सेंसिटाइज हो। EVS में सोशल साइंस इसलिए पढ़ाते हैं कि वो क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिवर्सिटी है हमारी, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, वो समझे उसको कि सिख है, जो हम हिंदू हैं, ठीक है, थीके? वो रिस्पेक्ट करे, डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव ना हो उसके मन में, ठीक है, सबको एक्सेप्ट करे, रल मिल के रहे, ऐसा समझे कि कोई भेद है ही नहीं हमारे में, ठीक है, रिस्पेक्ट करे। सोसाइटी एंड कल्चर जी कंटेंट जो है सोशल साइंस को जो EVS में लाया जाता है, इससे क्या है वो एडजस्ट हो एज पर लोकल सोशल एंड कल्चरल रियलिटीज से कनेक्ट हो, पूरा एडजस्ट करें अपने आप को। आज करते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों जरूरी है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन EVS में इसलिए लाई जाती है ताकि वो क्या है जो इन्वायरमेंट है देखे कि क्यों इन्वायरमेंट जरूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं इनकी रोकथाम अच्छे से कर पाए, जैसे फ्यूल का इशू है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह जल रही हैं तो जो धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा है, उसकी रोकथाम करने के लिए वो थोड़े से अच्छे से स्टेप उठाए कि इंडस्ट्रीज वगैरह का कम यूज़ करना चाहिए, बाइक वगैरह का कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये भी समझे कि जो हमारे एक्शन है जैसे पेड़ काट रहे हैं वो गलत चीज़ें हैं, उससे क्या होगा, ठीक है, पानी का कम यूज़ करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करना चाहिए, जो हमारी बिजली है उसका सही से उपयोग करना चाहिए, इस चीज़ों को समझे, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पे लिखा है बेटर अंडरस्टैंड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि बेटर अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, EVS में इसलिए लाया जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को वो बेटर अंडरस्टैंड करे कि जो चीज़ें हैं ये, ठीक है, इससे डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, तो इसकी अच्छे से मैं देखभाल करूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर वगैरह के थ्रू आपको समझाया है कि जैसे ये प्रॉब्लम है कि पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, ठीक है, सोचो अगर पानी जैसे हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, अब अगर वो सांस भी हमें ऐसे पैसे देकर लेनी पड़े तो कैसे रहेगा, ठीक है, ऐसा बच्चे को मतलब थोड़ी सी डेवलप करनी है कि वो सेंसिटाइज हो इन्वायरमेंट के प्रति, कि जो ये जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट वाली इसका सही से उपयोग करे जहाँ ज़रूरत है, जैसे सेफ फ्यूल्स मैंने लिखा है, ग्लोबल कॉल टू एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी के अगेंस्ट एक्शन ले थोड़े से, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ EVS एड्रेस इन्वायरमेंटल इशू बाय यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड ऑफ, जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, कि किस किस सब्जेक्ट को हम इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं EVS में,
ठीक है। जैसे पहला है सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मैंने जैसे आपको कहा है कि तीनों होती हैं, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसलिए पहला आंसर तो नहीं होगा, दूसरा साइंस, साइंस भी नहीं होगा, तीसरा है साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये बिल्कुल सही है कि तीनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, एक को नहीं करते ना दो को करते, तीनों को इंटीग्रेट करके EVS में लाते हैं कि बच्चा थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रही है लाइफ से, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से कनेक्ट हो, ठीक है। बाद में जब ये अलग अलग सब्जेक्ट करेगा तो बच्चे को इजी रहेगा समझने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पिछली क्लास में पढ़ के आया है। आगे करते हैं आज के क्वेश्चन, हाउ विल अवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर वार नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए मंथ, ए मैट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे को कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो एक मंथ के लिए तो आपकी लाइफ कैसे कैसे अफेक्टेड होगी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पूछने का एम क्या है, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है बच्चे को, टीचर ने पूछा है। पहला है सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशली, पहली ऑप्शन कह रही है कि बच्चा सेंसिटाइज होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है उसको अच्छे से करे, ध्यान से करे, ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करे, ठीक है। पहला स्टेप सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असेस करना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं है। थर्ड है प्रमोट करना इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये भी हो सकता है क्वेश्चन के प्रमोट करना है कि बच्चे को सोचने विचारने पे मजबूर करना है, दिमाग लगाने के पे मजबूर करना है, अगर बिजली ना हो तो कैसा होगा आपकी लाइफ, बच्चा सोचेगा, तर्क करेगा, ठीक है। थिंकिंग स्किल डेवलप होगी बच्चे की, जैसे मैंने कहा है टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछती है बच्चे को जिससे क्या है थिंकिंग स्किल वो डेवलप करे बच्चे की, ठीक है, बच्चा ज़्यादा सोचे विचारे, ठीक है, और अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कहती है टीचर, ठीक है। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिजल्ट मिलता है, तो तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है इसका, पहला और तीसरा, दूसरा तो नहीं है। फोर्थ है असेसिंग द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस, असेस करना जनरल अवेयरनेस के लिए ऐसा भी नहीं है। अब पहला या तीसरा, मुझे तीसरा स्टेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं तीसरी ऑप्शन टिक करूँगा, और आंसर भी आपका तीसरा ही है कि प्रमोट करना है इमेजिनेटिव स्किल को, प्रमोट करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी, मतलब डेवलप करनी है टीचर ने, ठीक है, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप हो, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे है हमारा, हरप्रीत वांट टू सुजेस्ट टू हर स्टूडेंट एज हाउ एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे टुवार्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हर बेस्ट सुजेशन वुड बी। हरप्रीत सुजेस्ट करिए स्टूडेंट को कि इंडिविजुअली तुम कैसे कंट्रीब्यूट करोगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, कैसे प्रोटेक्ट करोगे इन्वायरमेंट से। पहला है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग, के यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तुम अपने जो व्हीकल वगैरह है उसका कम यूज़ करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करोगे। ये बिल्कुल सही तरीका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो अपने व्हीकल कम कर देंगे तो क्या होगा कि एक ही व्हीकल मतलब प्रोटेक्ट करेगा बाकी व्हीकल्स की जो पोल्यूशन वगैरह है उसको रोकने के लिए। अगर हम सभी भी यही समझे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपने व्हीकल्स का कम यूज़ करेंगे तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अपने व्हीकल्स का कम यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन कम होगा, आप भी सोच के देखिए, ठीक है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, सेकंड भी देख लेते हैं। डो नॉट कीप ए पर्सनल व्हीकल लाइक कार, नहीं ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करेंगे, अगर आपने आसपास जाना है तो थोड़ा बहुत तो आप यूज़ करेंगे ही, ठीक है। अवॉइड फ्रिक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड दी होम, आउटसाइड के होम आप जाना बिल्कुल बंद कर दोगे, ऐसा भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। फोर्थ गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली, ये भी सही है कि इंजन को चेक करना है पर्सनल व्हीकल जो है, लेकिन पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है तो मैं पहले ऑप्शन के साथ ज़्यादा जाऊँगा कि पहला इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको सारा जो EVS का मैंने कंटेंट करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। आगे करते हैं, अब हमने देखिए क्या क्या कर लिया है। इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, EVS एज ए सोशल साइंस ये भी हमने कर लिया है। अब कहेंगे हम कि EVS को इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, आगे करते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जब बच्चे को हम इनिशियल ईयर में कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होते हैं, इसके थ्योरीज वगैरह होती है, प्रिंसिपल होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको
कम करके हम ईवीएस में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बर्डन महसूस करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है पिक्चर, कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करेगा, ठीक है। जैसे जे बायोसी करना पड़ेगा, सेंटर ग्रेविटी करना पड़ेगा, बच्चे को इनिशियल ईयर में ये सब समझ नहीं आएगा, इसलिए बच्चे को कंबाइन करके पढ़ते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर से, ठीक है। ताकि बच्चा क्या है, सिंपल कंसेप्ट पढ़े ईवीएस में, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का यूज़ करे अपने, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करे, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो, कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। बच्चा देखो, अब हम पानी के बारे में बताएंगे बच्चे को, जैसे कि पानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पानी होता है, इसको खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ी सी अपनी नॉलेज अपने आप कंस्ट्रक्ट करेगा कि इसका कलर क्या है, ये स्वाद में कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्ट करने लग जाएगा, और आगे फिर सोशल साइंस में पढ़ेगा तो उसको और ज़्यादा ईजी लगेगी कि आता कहाँ से है, ये अपने आप सोचेगा बच्चा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि एबल टू कनेक्ट, ऐसे क्या है, अगर हम ईवीएस कराते हैं तो वो कनेक्ट होता है, लर्निंग एट स्कूल विद द वर्ल्ड आउटसाइड, जो आउटसाइड द वर्ल्ड है उससे कनेक्ट होता है, इजीली समझ पाता है, क्योंकि उसके टच में होती हैं ये चीज़ें, तो फिर बाद में जब प्रॉपर्टीज वगैरह कराएंगे तो फिर ये आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए हम साइंस को जो है ईवीएस के तौर पर पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आगे जी एनसीएफ है, मैंने पहले भी कराया था एनसीएफ, फिर से हम करने वाले हैं एनसीएफ, जो ईवीएस के लिए ज़रूरी है। पहला है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पार्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, के बच्चे की क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी है हमने, ठीक है। एनसीएफ भी कहता है ना कि बच्चा अगर क्लास में बर्डन महसूस कर रहा है, किताबों से पढ़ रहा है, तो बच्चे को आउटसाइड द लाइफ लेके जाए, ताकि वो क्यूरियस हो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो, ज़्यादा सोचने लगे, ठीक है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसका ज़्यादा यूज़ करे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, ठीक है। दूसरा होता है टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सफुलनेस टू मेक द चाइल्ड क्यूरियस अबाउट ए सोशल फिनोमेना, के प्रति जो है क्यूरियस हो थोड़ा सा, उसके उसमें एटीट्यूड वैल्यू कस्टम ट्रेडिशन ये सब डिवेलप हो, वो लर्न करे, ठीक है, ताकि उसकी जो नॉलेज है वो ब्रॉड हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में ना पड़े, कनेक्ट हो उस वो अपने आसपास सब चीज़ों को समझे, सोसाइटी क्यों है, कैसे मिलना जुलना है, ठीक है। आगे है तीसरा पॉइंट, लर्न इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है बच्चे को, कि नेचुरली सोचे, सोशली सोचे, कल्चरली सोचे बच्चा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू जैसे मैंने कहा था कि उस पर अवेयर हो थोड़ा सा, कि जो हम पोल्यूशन हो रहा है इसको कम करना है, कैसे करेंगे, प्लांट को ग्रो करना है, ठीक है, पानी का कम यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करना है, वो चीज़ों के प्रति अवेयर हो थोड़ा सा। आगे करते हैं, टू बी एबल टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न है जैसा, ठीक है, इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन एड्रेस करें इनको, कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता, जो कल्चर है अलग अलग जाति के लोग हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है। ऑपरेशन विद वैल्यू ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिजिनिटी एंड राइट, के ह्यूमन की जो डिजिनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करे, ह्यूमन सबसे आगे है बच्चे के लिए, ऐसा बच्चे की मैं ऐसी वैल्यू डेवलप करे, सोशली हो बच्चा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को कंबाइन करके पढ़ाते हैं, होलिस्टिक पिक्चर होती है एक तरह की, मतलब तीनों चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने कहा था, जहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की हम साइंस में पढ़ते हैं, लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल कैसे, प्योरिटी ऑफ वाटर क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर, ठीक है, ऐसा साइंस में पढ़ते हैं। और सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं, वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स वाटर आता कहाँ से है, डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहाँ है, ठीक है, क्यों हमें नीड है वाटर की डेली लाइफ में, सोशल मूवमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, ये हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। और इसको ईवीएस में देखे कैसे पढ़ते हैं, कंजप्शन ऑफ वाटर और ए फैमिली, फैमिली में हम कंजप्शन कैसे करते हैं फैमिली पानी की, एनिमल को क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे मतलब हम इसको सफाई में यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें हम ईवीएस में पढ़ते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, मतलब कनेक्ट होना होता है हमें इस चीज़ों से, ताकि हम इस चीज़ों से कनेक्ट हो, बाद में हम ये चीज़ें दोनों कर सकें, ठीक है। आगे करते हैं,
अप्रोच क्या होती है टीचिंग इंटीग्रेटेड ईवीएस जब हम पढ़ते हैं? अप्रोच होती है थीम बेस होती है ये, ठीक है, ताकि बच्चा क्या है अंडरस्टैंड कर सके नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को, ठीक है, थीम बेस्ड होती है। जैसे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करा दिया ईवीएस में, थोड़ा थोड़ा करा दिया, थोड़ा साइंस करा दिया, थोड़ा सोशल साइंस करा दिया, थोड़ा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में करा दिया, ठीक है, ताकि एक बच्चा थीम समझ ले। आगे हम करेंगे जब 6, 7, 8 में साइंस सोशल साइंस से इंडिविजुअल जब हम अलग अलग करेंगे तो बच्चा आसानी से कर पाए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे थीम्स इन ईवीएस के फैमिली एंड फ्रेंड हम पढ़ते हैं, ये 6 थीम्स होती हैं, ये भी आप याद कर लेना, पूछ लेती हैं कि इनमें से कौन सी थीम हम ईवीएस में पढ़ते हैं। फूड करते हैं हम, शेल्टर करते हैं कि रहना कहाँ से है, ठीक है, वाटर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू जो हम करते हैं थिंग्स उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फैमिली फ्रेंड्स होगी, ठीक है, ये चीज़ें हम ईवीएस में थीम की तरह एक पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम ये चीज़ें कर लेंगे तो ईवीएस हम कनेक्ट कर पाएंगे साइंस एंड सोशल साइंस में, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी बच्चा करने लग जाएगा ये चीज़ों के बारे में। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है पहले ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए थीम स्ट्रक्चर कैसे की जाती है, जैसे थर्ड क्लास है उसमें कराते हैं बच्चे को जो कुकिंग एंड ईटिंग है इन फैमिली में, क्या हम ईट करते हैं, क्या एनिमल ईट करते हैं, ठीक है। जब फोर्थ क्लास में आता है तो हम करा देते हैं कि फूड ग्रो कैसे होता है, हाउ फूड रीचेस, हमारे तक कैसे पहुंचता है फूड, ठीक है। और फिफ्थ क्लास आएगी तो हम बता देंगे ये खेतों में से आता है, इसको कैसे बीजते हैं, ठीक है। और जब सिक्स आएगी तो साइंस एंड सोशल साइंस अलग अलग हो जाएगी, फिर फूड की प्रॉपर्टीज वगैरह पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ से बनती है, ये कार्बन होता है इसके बीच में, ठीक है, ऐसे पड़ेगा। फिर ऐसे थीम स्ट्रक्चर करते हैं कि बच्चे को मतलब बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं हम, ठीक है। थर्ड में क्या जरूरी था पढ़ने के लिए वो पढ़ा दिया, फोर्थ में क्या जरूरी है फोर्थ में पढ़ा दिया, फिफ्थ में क्या जरूरी है फिफ्थ में पढ़ा दिया। बाद में साइंस एंड सोशल साइंस को इंडिविजुअल जब करेंगे बच्चा आसानी से समझ पाएगा, एक थीम से हम चल रहे हैं बच्चे को, ठीक है। डेली लाइफ से हम आउटसाइड द लाइफ लेके जाएंगे कि वर्ल्ड को कनेक्ट करें फिर डेली लाइफ की चीज़ों को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, होप आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हुई होगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसा आपका सिलेबस है। हमने 3 आज टॉपिक कर लिए हैं, पहले मैंने ये करा दिया था कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस कर लिया है। चलो गाइस, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।